भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने यह कहा हो कि वो $1 बिलियन खर्च करेगा मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। ये चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब चुनाव भारत में हो रहा था और कांग्रेस के नेता आर्टिकल विदेश के अखबारों में लिख रहे थे। शशि थरूर जी ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये लोग जिस वोट बैंक के चक्कर में साथ साथ आए हैं वो एक के लिए बड़ा चिंता का सबब बनने वाला है। सपा कहती है मेरा कारनामा तो देख, तो कांग्रेस कहती है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, तो उधर एक हैदराबादी हजरत है जो कहते मेरा घराना तो देख। भारत का ये चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने यह कहा हो कि वो $1 बिलियन खर्च करेगा मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। यह चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब चुनाव भारत में हो रहा था और कांग्रेस के नेता आर्टिकल विदेश के अखबारों में लिख रहे थे। शशि थरूर जी ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। अरे भाई, विदेश के अखबार में क्यों लिख रहे हो मोदी हैज टू गो? और उसके बाद भी, और ये इतिहास का पहला चुनाव था जब पाकिस्तान के एक मंत्री स्तर के व्यक्ति ने कांग्रेस और राहुल गांधी जी की भूरी भूरी प्रशंसा ही नहीं की। उनका वर्ड था फवाद चौधरी का कि बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे, यानी इनवर्बेटम वही था जो था। अरे क्यों नहीं आपने बोला कि आप कौन होते हैं हमारे बारे में बोलने वाले? मैं याद दिलाना चाहता हूं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक बात बोली थी तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था कौन होता है पाकिस्तान का व्यक्ति 120 करोड़ देशों के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाला। मगर अफसोस आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत का ये बदलाव एक बड़ा बदलाव हो रहा है। और मगर इन चुनावों ने एक निष्कर्ष और दिया है सभापति महोदय, एक निष्कर्ष और दिया है कि कांग्रेस पार्टी को आज बड़ी उत्साह नजर आ रहा है कि वो उभर कर सामने आ गए। मगर महोदय एक बात ध्यान देने योग्य है इस चुनाव में कि जहां हमारा और कांग्रेस का मुकाबला था वहां तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, अपने सहयोगियों के कंधे पर चढ़ के बहुत कुछ प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये लोग जिस वोट बैंक के चक्कर में साथ साथ आए हैं वो एक के लिए बड़ा चिंता का सबब बनने वाला है। महोदय ये कुछ हिंदी फिल्मों की पुरानी स्टोरी की तरह है कि पुराना आशिक लौट के आ रहा है। अगर वो पुराना इश्क जाग गया तो आप ये समझिए कि ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं, सपा कहती है मेरा कारनामा तो देख, तो कांग्रेस कहती है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, तो उधर एक हैदराबादी हजरत है जो कहते हैं मेरा घराना तो देख, और इस ट्रायंगल से का एक नया स्वरूप इस चुनाव में उभरता हुआ नजर आया है।